ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है. टू नंबर्स एक्स एंड वाई आर रेस्पेक्टिवली 20% एंड 28% लेस देन द थर्ड नंबर. ठीक है, तो ओके, तो तीन नंबर्स हैं, एक नंबर एक्स है, एक नंबर वाई है और एक नंबर जेड है, थर्ड नंबर. ठीक है, डायरेक्टली कर रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन को आपको. और क्योंकि हमने सभी को थर्ड नंबर से कंपेयर करना है, तो थर्ड नंबर को मैं 100 ले लेता हूँ, परसेंटेज का सवाल है. आई हैव टेकन द थर्ड नंबर 100. अब जो फर्स्ट नंबर है ना एक्स, वो 20% लेस है थर्ड नंबर से. 20% लेस का मतलब है सीधा आँख बंद करके 80 लिख दो यार. ओके, और जो सेकेंड नंबर है जो वाई है ना, वाई दैट इज़ 28% लेस. 28% लेस का मतलब है 100 माइनस 28, इफ़ यू विल डू यू गोइंग टू गेट 72. ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है, बाय व्हाट परसेंट इज़ द नंबर वाई लेस देन द नंबर एक्स. अरे 72 80 से कितना कम है, तो ये 80 है और 80 और 72 80 से कितना कम है. व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड डिक्रीजिंग परसेंटेज. पूरा फॉर्मूला लिख रहा हूँ, डिक्रीजिंग परसेंटेज इज इक्वल टू डिक्रीज्ड वैल्यू. ठीक है, और हमेशा जब भी न्यूमरेटर में डिक्रीज्ड वैल्यू आता है तो अपॉन लार्जर वैल्यू, मैंने फंडा बच्चों को बताया है, इन टू 100. आप सोच सकते हो ये सिविल सर्विसेज के क्वेश्चंस हैं, कैन यू इमेजिन, इतना बेसिक. अच्छा, डिक्रीज्ड वैल्यू 80 से 72 हुआ है, तो वैल्यू कितनी डिक्रीज हुई है, 8 डिक्रीज हुई है ना. 80 माइनस 72 यू विल डू 8 डिक्रीज हुई है अपॉन लार्जर वैल्यू. लार्जर वैल्यू इज 80 इंटू 100, तो 80 टेंजा और 10 टेंजा, सो द आंसर इज 10%. बी इज द राइट आंसर.